بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق आप अपनी बुक का पेज नंबर 105 ओपन कर लें। सबसे पहले हम करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। आपको तीन फोर्सेस प्रोवाइड कर दी गई हैं, आपने इन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास दो तरीके हैं। जैसा कि आपने एग्जाम्पल 4.1 की थी, आप उस तरीके से भी बाय हेड टू टेल रूल के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड सेकेंड इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के टॉपिक से रिलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोनों मेथड देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा। डेटा में हमें क्या क्या प्रोवाइड कर दिया गया है, थ्री फोर्सेस, एक F1 फोर्स, FX फोर्स प्रोवाइड कर दी गई है विच इज 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड आफ्टर दैट हमें एक एफ ऑफ वाई फोर्स प्रोवाइड कर दी गई है जिसकी क्या वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, एंड लास्ट एफ ऑफ एक्स 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे हमारे पास एक्सिस किस तरह से होते हैं। आपने ये बात याद रखनी है, हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं दो तरह के एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे वाई एक्सिस है। अब एक जो वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और आफ्टर दैट इस लाइन से नीचे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहां पे हमारा क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड इस साइड पे हमारा क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस लाइन से इस साइड पे क्या होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इससे लोअर वाली साइड पे क्या होगा, यहां पे भी नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, एक आपकी फोर्स है वो क्या है अलोंग एक्स एक्सिस। अब आपने पहले हम टू फाइंड लिख ले, हमने फाइंड क्या करना है इसमें, हमने फाइंड इसमें करना है रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स को मैं एफ से खाली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आपने बहुत ही ध्यान से देखना है, मैं फर्स्ट सॉल्यूशन इसका करने लगा हूं, एंड इसके बाद इसका सेकंड जो वे है उससे भी इस टॉपिक को मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए आपके सामने ये नंबर्स क्या हैं, ये इवन नंबर्स हैं, इसलिए मैं क्या कंसीडर करता हूं, एक इवन नंबर जो है वो 2n को कंसीडर कर लेता हूं, किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के इक्वल। अब ये इसको इक्वलिटी के मुताबिक इसने किया, 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर आपने हेड टू टेल रूल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यू मस्ट नो दैट कि हमें एक स्पेसिफिक स्केल चाहिए होता है किसी भी फोर्स को मेजर करके बनाने के लिए। अब देखिए मैं क्या करूंगा, आपके सामने फोर्स बनाने लगा हूं,
किस तरीके से इस फोर्स को बनाऊंगा, बहुत ही अच्छे से आपने इस चीज को समझने की कोशिश करनी है। जैसा कि मैं यहां पे क्या करूंगा, फोर्स बनाने लगा हूं। देखिए आपने क्या करना है, पहले 10 को अगर इस तरीके से 10 को आप डिवाइड कर दें 2 से, आपके पास क्या स्केल आ जाएगा 5। मिट्स मींस कि जो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो आपके पास फर्स्ट फोर्स है, आप उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर लेनी है, एंड एरो शोज दैट दिस फोर्स इज इस डायरेक्शन गोइंग टू अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस वाली फोर्स को देख लेंगे, क्या है 6 न्यूटन। अब आप 6 न्यूटन को अगर इस तरीके से 6 न्यूटन को डिवाइड जब 2 से कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर विच इज 3 सेंटीमीटर। इट्स मींस मैं यहां पे अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक करूं तो आपको पता है फर्स्ट वेक्टर का हेड एंड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ इस तरीके से मिला के मैं क्या करूंगा, इस लाइन को 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लूंगा। अब लास्ट हमारे पास जो फोर्स रह गई है वो आपके सामने क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए अगर पॉजिटिव इस साइड पे है तो नेगेटिव मैं इस तरीके से इधर 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लूंगा, ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। भी 2 सेंटीमीटर का मुझे कैसे पता लगा, यू नो दैट 4 न्यूटन को जब मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाएगा इसका आंसर क्या है, 2 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ करनी है। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो फर्स्ट वेक्टर की टेल के लास्ट वेक्टर की हेड के साथ उसका रिजल्टेंट का आपस में मर्जमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉनिसाइड करना, देन आप क्या कर सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था एक मेथड जिस मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं। जब ये सब आप कर लें तो आपने इसके आंसर इस तरीके से लिख देने हैं, इसको भी हम लाइन में लिख देंगे ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरीके से आप इसके आंसर लिख सकते हैं, 4 न्यूटन को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, यू विल गेट योर आंसर विच इज 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक मेथड तो ये हो गया। अब जो सेकेंड मेथड है, इसका जो सेकेंड मेथड है उसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड इसका जो मेथड है वो क्या है, अब सेकंड मेथड आपको अगर याद हो हमने जो किया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का टॉपिक, उसमें आपको जो उसका सेकंड पार्ट था डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स बाय द हेल्प ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो ये इसकी क्या है, फोर्स की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ये इसका एक एफ एक्स वन फोर्स आ गई, ये एफ वाई आ गया और ये एफ 2x आ गया, ये इसके क्या है रिजल्टेंट कंपोनेंट्स है। तो देखिए अगर मैंने रिजल्टेंट f ऑफ x फाइंड करना हो तो ये क्या होगा f1x माइनस f2x, इसको प्लस लिखेंगे, लेकिन ये देखिए आपके सामने यहां बताया गया है ये जो f2 फोर्स है ये अलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस है। इससे अब इसकी क्या करेंगे हम वैल्यूज को पुट कर देंगे, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x 1 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 10, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इधर आ जाएगा 7, हमारे पास क्या है 4, तो 4 आ जाएगा तो हमारे पास f of x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 6 न्यूटन। इसी तरीके से आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से पता है कि हमारे पास f of y की क्या वैल्यू है विच इज यहां पे गिवन है 6 न्यूटन, तो इसको एज इट इज 6 न्यूटन लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे बाय, या आप इस तरीके से सिंपल लिख दें f किसके इक्वल है, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम कर रहे हैं, f of x का स्क्वायर ले लेंगे प्लस क्या कर देंगे f ऑफ y के स्क्वायर के साथ, यू विल गेट योर आंसर। अब f एज इट इज लिख लिया इज इक्वल टू क्या करेंगे f ऑफ x की वैल्यू आप पुट करें विच इज आपके सामने है f ऑफ x की वैल्यू विच इज 6 न्यूटन, 6 स्क्वायर इसका आ जाएगा प्लस f ऑफ y की भी क्या वैल्यू है 6 न्यूटन, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरीके से 6 क्या होता है 36 प्लस 6 36, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, हम इसको बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अभी सॉल्व कर लेते हैं। अब कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, 36 प्लस 36 हमारे पास जो आंसर आता है इट्स इक्वल टू 72। तो आपने इसका आंसर लिख दिया इस तरीके से 72, और इसका आपको पता है अंडर रूट लेना है। अब जब आप इसका अंडर रूट लेंगे ऑन कैलकुलेटर यू विल गेट योर आंसर, अंडर रूट इसका ले लें इस तरीके से, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8.5, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमारी 8.5 न्यूटन आ गई है। देखिए ये तो हमने सिंपल सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हम क्या करेंगे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं, थीटा टेन इनवर्स
एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स. सिंपल आप वैल्यूज पुट कर दें, टेन इनवर्स 6 न्यूटन डिवाइडेड बाय 6 न्यूटन, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1. अब टेन इनवर्स 1 क्या होता है, 45 डिग्री के इक्वल होता है. आप अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर सकते हैं. आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल इस तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाता है. हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व होता है. अब हम चलते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड करने हैं, जबकि हमें यहां पे रिजल्टेंट फोर्स गिवन की हुई है. हमने इस न्यूमेरिकल में जस्ट जो है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स. देखिए इसको भी हम क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं एक दफा. हम इसकी जो डेटा है उसको भी लिखना है हमने. फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, फोर्स के फाइंड करने हैं. फोर्स हमारे पास क्या है, 50 न्यूटन्स विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस. मतलब सिंपल क्या है, आपके पास इस तरीके से एक फोर्स है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है. इस तरीके से आपको उसने क्या कहा है, आपकी जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स है, सॉरी ये रेक्टेंगल ये ट्रायंगल बना हुआ है, वो क्या है, आपके पास जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है. इधर जो 50 न्यूटन का फोर्स है वो अलोंग एक्स एक्सिस एक एंगल बना रहा है, जिसको हमने थीटा कहना है. वो कितना है, आपको नजर आ रहा है आपकी बुक पे 30 डिग्री. और आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है एंड एफ ऑफ वाई फाइंड करना है. ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू मुझे उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे अंदाज से समझ आ गई होगी. एक दफा आप स्टेटमेंट को भी रीड कर लें, देन हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे हैं. हमारा जो डाटा है वो डाटा किसके इक्वल आ जाएगा, डाटा आपके सामने गिवन जो चीजें लिखी हुई हैं वो लिख लें आप. फोर्स आपकी, फोर्स को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन. एंड हमारे पास जो एंगल गिवन है, एंगल इज 30 डिग्री, ये किसके है, अलोंग एक्स एक्सिस है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है. अब आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपने करना है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई. सिंपल आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे. सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे, चले हम सॉल्यूशन का इस तरीके से यहां पे कर लेते हैं सॉल्यूशन को. सोल्यूशन अब हम सॉल्व करने लगे हैं इसको. इसके फॉर्मूलाज हैं, यू नो दैट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाले कंपोनेंट को सॉल्व कर लेते हैं. एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिख लिया, विच इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. अब आप इजीली क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखेंगे. एफ हमारे पास क्या है, यू नो दैट इट्स वैल्यू इज 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा. अब सबसे पहले हम जो है इसको जब आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं ऑन कैलकुलेटर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इजीली, हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा. अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं एक दफा, जो है 50 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री. देन आपके पास जो आंसर आ जाता है वो क्या है, 43.3 न्यूटन. आपके पास जो एफ ऑफ एक्स वाली फोर्स आ गई है वो कितनी आ गई है, 43.3 न्यूटन. सिमिलरली ये पार्ट वन था हमारा, ये पार्ट टू करने लगे. इनको बेशक आप पार्ट्स की फॉर्म में इस तरीके से लिख ले. अब पार्ट टू में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई को फाइंड करेंगे. इट्स फॉर्मूला इज एफ साइन थीटा. अब सिंपल क्या करेंगे, आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. फोर्स की क्या वैल्यू है, इट्स वैल्यू इज 50 एंड मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, साइन 30 डिग्री से. देखिए जब दो चीजों के दरमियान में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है. आप बेशक इस तरीके से क्रॉस साइन लगा देंगे तो वैसे ही शो करता है इट्स अ मल्टीप्लीकेशन. अब इसका भी हम क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं. 50 को मल्टीप्लाई करते हैं साइन 30 से. हमारे पास जो आंसर आता है, इट्स आंसर इक्वल टू 25. एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, 25 न्यूटन. इस तरीके से आपने इन दोनों फोर्सेस को फाइंड आउट कर लिया है. नाउ अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल 4.3 की तरफ. न्यूमेरिकल 4.3 में हमने क्या करना है, आइए इसकी स्टेटमेंट को एक दफा हम स्टडी करते हैं.
वो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इफ वन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन. अब सिंपल इस न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, कह रहा है आपने रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, इन शॉर्ट डायरेक्शन हम थीटा को कहते हैं, एंगल फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. इस तरीके से देखें हमारे पास क्या होगा, ये हमारा एक कंपोनेंट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड इट्स वैल्यू इज 12 न्यूटन. एंड सिमिलरली अब ये वाला जो कंपोनेंट है, हमारा जो y वाला कंपोनेंट है, इसकी क्या वैल्यू है, f ऑफ y की हमारे पास वैल्यू है 5 न्यूटन. अब आपने क्या करना है, f फाइंड करना है एंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है, थीटा की क्या वैल्यू है. इन शॉर्ट अब इसको डायरेक्शन भी कह सकते हैं. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4.3 न्यूमेरिकल लिखते हैं एंड इसका डेटा जो है वो लिख लेते हैं. डेटा आपके सामने बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है. एफ ऑफ एक्स फोर्स क्या है, वो कितने किसके इक्वल है, 12 न्यूटन के इक्वल. एंड सिमिलरली एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, इट्स इक्वल टू 5 न्यूटन. एंड टू फाइंड आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने सिंपल फाइंड करना है एक तो सबसे पहले एफ कंपोनेंट जिसे रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं एंड सेकंड आपने क्या करना है, थीटा आप इसको डायरेक्शन भी कह सकते हैं. इन दोनों चीजों को आपने क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है. अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं. सॉल्यूशन में आपको पता है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप एफ को फाइंड कर सकते हैं. एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर. सिंपल आपने क्या करना है, इनमें वैल्यूज को ऐड कर देना है. अब आप वैल्यूज को ऐड कर दें इस तरीके से, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा. एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 12 के स्क्वायर के इक्वल, प्लस एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, 5 के स्क्वायर को इक्वल. एफ आ गया इस तरीके से. अब 12 मल्टीप्लाई 12 क्या होता है, 144 के इक्वल, प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 किसके इक्वल होता है, 25 के इक्वल. जब आप इनको ऐड करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल आपको पता लग रहा है 5 + 4 = 9, 4 + 2 = 6 एंड 1 एज इट इज आ जाएगा. अब जब आप इसका अंडर रूट लेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू विल गेट आंसर इस तरीके से, 13 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा. एफ आपके पास कितने इक्वल आ गया, 13 न्यूटन. ये आपका क्या आ गया, आपके पास फोर्स आ गई. नो हमने क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है. तो सिंपल डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एफ ऑफ वाई ओवर एफ ऑफ एक्स. सिंपल इनकी वैल्यूज एड करें आपके पास आपका थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स एज इट इज. एफ ऑफ वाई कितना है, 5 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स कितना है, 12. सिंपल आप इनको बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करें, यू विल गेट योर आंसर. जिसको आइए हम सॉल्व करते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. 10 इनवर्स ब्रैकेट में आ गया, हमारे पास क्या आ गया, 5 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आता है, इट्स आंसर इक्वल टू 22.61984 न्यूटन. तो आप पॉइंट के बाद जस्ट वन वर्ड लिख सकते हैं, 22.6 हमारे पास क्या आ गया, हमारा थीटा एंगल आ गया. इस तरीके से आपका ये जो न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल 4.3 एंड हो गया. अब हम 4.4 न्यूमेरिकल को देखते हैं, इसमें वो क्या कह रहा है. 4.4 न्यूमेरिकल में वो बता रहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट. फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स. सिंपल वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस तरीके से आपके पास क्या है, एक स्पैनर है. स्पैनर चाबी को कहते हैं. इस तरीके से आपकी जो है वो चाबी बनी हुई है. चाबी अब यहां पे एक नट है, उस नट को हमने क्या करना है, ओपन करना है. वो कह रहे हैं नट के इस हिस्से पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एंड फोर्स की वैल्यू क्या है, 100 न्यूटन. एंड इसका इस पैनल का ये जो मूवमेंट आर्म है, डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हम देख लेते हैं एक दफा. उसकी वैल्यू वहां पे हमें क्या प्रोवाइड की गई है, एंड इट्स वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर. जो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना है,
10 सेंटीमीटर। आपने फाइंड क्या करना है, टॉ फाइंड करना है, इन शॉर्ट इसको टॉर्क भी कहते हैं, मतलब इसका नेम टॉर्क है। इस जो टी उल्टा टी इसका साइन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कह देते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे इस तरीके से, डाटा में सबसे पहले सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, हमारे पास फोर्स आ जाएगी, फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 100 न्यूटन। इसी तरीके से अब मूवमेंट आर्म क्या आ जाएगा, मूवमेंट आर्म मूवमेंट आर्म को आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर। अब आपने यहां जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है, मूवमेंट आर्म हमेशा मीटर में होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, 100 से जब डिवाइड करेंगे वी विल गेट अवर आंसर 0.1 मीटर। सिंपल। अब आपने टू फाइंड क्या करना है, किस चीज को आपने फाइंड आउट करना है, आपको पता है आपने टॉ को फाइंड करना है कि टॉ की वैल्यू कितनी है। इसका सोल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे, सोल्यूशन में आपको पता है टॉ का क्या फॉर्मूला होता है, टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। सिंपल, इसकी वैल्यूज यहां पे ऐड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ये आपका जो न्यूमेरिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझा जाता है इस 4.4, आप इसको आराम से इस तरीके से बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज 4.5। इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। इसकी क्या वैल्यू है, इसकी सॉरी स्टेटमेंट क्या है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब एक फोर्स है जो एक साइड पे लग रही है और एंगल बना रही है किसके साथ, हमारे एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट के साथ, और वो एंगल कितना है 30 डिग्री। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट। अच्छा जी, इस न्यूमेरिकल को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, लेकिन आप डायग्राम से समझेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 4.5 न्यूमेरिकल के अंदर, 4.5 न्यूमेरिकल में वो बता रहा है आपके पास एक कंपोनेंट है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट के ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई की जा रही है 20 न्यूटन। सिंपल, और 20 ये एफ ऑफ एक्स के साथ वो एक एंगल बना रहा है, इट्स एंगल इज 30 डिग्री। अब देखिए क्या है, ये एक आपकी रिजल्टेंट फोर्स है एफ, आपने ये फाइंड करनी है, और एक कंपोनेंट हमारा है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमने फोर्स लगाई है कितनी 20 न्यूटन, और एफ ऑफ एक्स फोर्स ने ही इसके साथ एक एंगल बना ली है जिसका एंगल जो है 30 डिग्री। आपने सिंपल बताना है कि एफ कितनी है। अब यहां पर कोई एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई वाली की तरफ कोई फोर्स लग नहीं रही, इसे हम एफ ऑफ वाई को लिखेंगे नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं हमारा एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, 0 न्यूटन के इक्वल, क्योंकि यहां पे कोई फोर्स अप्लाई की ही नहीं जा रही। अब इस एफ ऑफ एक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, एफ को फाइंड करेंगे। तो यहां पर मैं लिखने लगा हूं टू फाइंड, हमने क्या करना है, सिंपल आपको पता होना चाहिए अभी हमने क्या लिखा है, अभी हमने डेटा लिख लिया है, इसके बाद हम टू फाइंड लिखेंगे। टू फाइंड में आप लिखेंगे आपने क्या फाइंड करना है, यू विल फाइंड फोर्स। अब सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन में क्या करेंगे आप, सिंपल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉस थीटा। सिंपल, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। अब आप मुझे खुद बताएं, सॉरी ये थोड़ा सा, यहां पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, आपने क्या करना है, फाइंड एफ करना है। तो सिंपल क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा, डिवाइड कर देंगे कॉस थीटा से, यू विल गेट एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें 20 न्यूटन, कॉस कितना है कॉस 30 इज इक्वल टू एफ। अब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर। अब कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं, 20 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, कॉस थीटा के साथ, जब कॉस थीटा के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट योर आंसर 23.09। क्या आंसर आ जाएगा इसका, फोर्स का 23.09 न्यूटन। अब आपको पता है जब 9 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा, एंड राउंड ऑफ होके 23.1 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था,
4.5 वाला न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ विच इज 4.6। अब द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल ऑफ 550 न्यूटन। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको भी आपने डायग्राम की हेल्प से पहले समझना है, देन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर डायग्राम की हेल्प से नहीं समझना चाहते तो वैसे भी हम इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा न्यूमेरिकल कौन सा है, 4.6 है। इसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा जो उन्होंने गिवन किया हुआ है वो क्या है, सबसे पहले उन्होंने बता दिया है आपके पास फोर्स जो प्रोड्यूस हो रही है, फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कपल, या आप सिंपल लिख लें फोर्स ऑफ अ कपल भी लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अ कपल। फोर्स ऑफ अ कपल कितनी है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स 50 न्यूटन। आफ्टर दैट आपको बताया गया है रेडियस, आपको बताया है सिंपल रेडियस। रेडियस क्या होता है, सर्कल का हाफ, इसको हम रेडियस कहते हैं। अगर आप पूरे सर्कल की बात करें तो उसको हम डायमीटर कहते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वैल्यू इज 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आपका क्या है, एक स्टीयरिंग व्हील बना हुआ है। उन्होंने बता दिया हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं, ये क्या है हमारा जीरो है, या इसको ओ का नाम दे दें, ओ से लेके इतना हिस्सा जो हमारे पास जो था इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस की कितनी वैल्यू, 16 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे कपल प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, ठीक है। एक एक्ट कर रही है फोर्स ए पॉइंट पे, एक एक्ट कर रही है फोर्स बी पॉइंट पे। जब दोनों ऑपोजिट होंगी, एक क्लॉकवाइज मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, तभी हमारे पास क्या होगा, कपल प्रोड्यूस होगा। इस टॉपिक को आप कपल के टॉपिक से स्टडी करेंगे तो आपको ये कपल का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे अगर ये हमारा हाफ सर्कल जो है 16 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली ये भी तो 16 होगा। तो ये 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 प्लस 16 32 आ जाएगा। तो हमारे पास 32 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, इट्स अ डायामीटर। तो मैं यहां लिख रहा हूं डायामीटर, डायामीटर जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करें वो कितना है, 32 सेंटीमीटर। और मुझे रिक्वायरमेंट भी इस डायामीटर की है, क्योंकि एक फोर्स F1 फोर्स में कहता हूं यहां पे लग रही है, और एक फोर्स जो है डाउनवर्ड लग रही है F2 फोर्स, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे इसका टोटल मूवमेंट आर्म चाहिए था, क्योंकि आपको पता है अगर आपने टॉर्क फाइंड करना है यू मस्ट नो द मूवमेंट आर्म, मूवमेंट आर्म जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डायामीटर हमारे पास हमेशा जो है मीटर में होता है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इस 100 से, तो यू विल गेट योर आंसर 0.32। लेकिन फिर भी हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कैलकुलेटर पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर इजीली, वो क्या है आंसर आपका सिंपल 32 डिवाइडेड बाय 100, जो 0.32 ही हमारा आंसर आ रहा है। हमने इसको एज इट इज देख लिया, अगर आप वैसे ठीक है। अब हम इस सिंपल इसको क्या करेंगे, टू फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड हम करेंगे जब इसको, तो सिंपल एज इट इज आपको पता है आपने इसमें क्या निकालना है, टॉ फाइंड आउट करना है। अब टॉ को फाइंड करने के लिए क्या होता है, फोर्स टॉ को इस तरीके से फाइंड कर देंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका मूवमेंट आर्म जिसको हमने डी कह दिया है। टॉ एज इट इज लिख लिया, फोर्स में बस कितनी है 50 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.32 से, यू विल गेट योर आंसर। 0.32 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 16। हमारा आंसर क्या आ गया, टॉ का 16 आ गया। सिंपल लिख देंगे 16, फोर्स का क्या यूनिट होता है न्यूटन, एंड डायमीटर का क्या यूनिट है मीटर। तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को भी कर लिया। ये न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, इवन के ये बोर्ड में 2013, 14 एंड 15 में भी आ चुका है इन अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसको करने के और भी बहुत से मेथड्स हैं, आप उन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उन मेथड से भी सॉल्व कर देते हैं, कर सकते हैं। मैंने आपको सिंपल मेथड बता दिया जिसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इट्स 4.7, इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। आइए देखते हैं इसमें हमने क्या करना है। 4.7 हमारा जो न्यूमेरिकल है, इसमें सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं।
डेटा से पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को स्टडी कर लेंगे ताकि स्टेटमेंट आपको इजीली समझ आ जाए। जब मैं एक दफा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूं, इट मस्ट बी कंपल्सरी फॉर यू दैट यू हैव टू रीड दैट स्टेटमेंट आफ्टर एक्सप्लेनेशन। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स के थ्रू हमने क्या किया हुआ है, पिक्चर्स को हैंग किया हुआ है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का एक हिस्सा यहां पे, इसको स्ट्रिंग के थ्रू अटैच किया है। सेकंड इसका पॉइंट ये है, इसको भी स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है। तो वी हैव टू स्ट्रिंग्स। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर, फर्स्ट टेंशन क्या है, T1 3.8 न्यूटन एंड सेकंड टेंशन इज 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द फ्रेम। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है हमारा। इस तरीके से अब इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हमारा क्या है, एक फ्रेम है, फ्रेम के दो पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट है एंड सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, ये है। इसे हमने क्या कह दिया, T1। इसे हमने क्या कह दिया, T2। आपको पता है इसको इस तरीके से हमने जब हैंग कर दिया तो इसका वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा। और वर्टिकली डाउनवर्ड वेट को ही हमने जो है फाइंड करना है। और आपको पता है वेट क्यों डाउनवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी वजह से क्या होगा, वेट डाउनवर्ड मूव करेगा। अब फर्स्ट टेंशन की उन्होंने हमें क्या वैल्यू बता दी है, इट्स वैल्यू इज 3.8 न्यूटन एंड सेकंड टेंशन वैल्यू इज 4.4 न्यूटन। सिंपल इन दोनों टेंशन की हम क्या करेंगे, इन दोनों टेंशन की हेल्प से हम इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। आइए सबसे पहले डेटा लिखे। एक टेंशन थी टेंशन T1 विच इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन, टेंशन T2 इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन। आपने क्या करना है, टू फाइंड आपने करना है, किस चीज को टू फाइंड, आपने इसका क्या करना है, वेट को फाइंड आउट करना है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। आपको याद हो अगर बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, चलिए मैं लिख लेता हूं यहां पे, बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि टेंशन, टोटल टेंशन है ना, अब T1 T2 टोटल टेंशन लिखेंगे, या T1 प्लस T2 किसके इक्वल होगा, माइनस W के इक्वल होगा। क्योंकि याद रखिएगा, या आप इससे पहले भी एक पॉइंट इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता है ये फोर्सेस किस साइड पे एक्ट कर रही हैं, इट्स एक्ट अलोंग वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल एक्सिस हमारा कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है। तो मैं टोटल वाई एक्सिस की फोर्स को इज इक्वल टू जीरो करूंगा, तब मेरा ऑब्जेक्ट किसमें होगा, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। तो अब टोटल एफ फोर्सेस पे क्या हो रही है, एक टेंशन T1 प्लस T2, क्योंकि ये टेंशन क्या कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, दैट्स व्हाई इट्स वैल्यू विल कम्स इन पॉजिटिव। एंड माइनस कर देंगे W में से, क्योंकि आपका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसी तरीके से अब आप इसकी वैल्यूज को एड करेंगे, टेंशन 3, या आप इससे पहले ये पॉइंट भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्या टेंशन T1 प्लस T2 को एज इट इज रहने दें एंड W माइनस में था, ये जो हमारा वेट है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब टेंशन की वैल्यूज को अगर आप ऐड करें तो आपके सामने क्या है, 3.8 प्लस 4.4 इज इक्वल टू W। अब W की वैल्यू आपके सामने इजिली आपकी आ गई है, क्या आ जाएगी, 8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12, 2 द कैरी चला जाएगा एंड 3 प्लस 4 7 8 आपको आ जाएगा 8.4 न्यूटन आपका वेट। इस तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, विच इज 4.8 न्यूमेरिकल एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब वो क्या कह रहा है, टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर। आपको जैसे फिगर में दिखा दिया गया है, दो वेट्स हैं, उनको अटैच किसके साथ कर दिया गया है, स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड कर दिया गया है। आपने क्या करना है, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग फाइंड करनी है। देखिए इसको हम डायग्राम की हेल्प से दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक इस तरीके से मैस का अटैच कर दिया गया है, जिसका मैस क्या है, याद रखिएगा यहां मैस की बात की गई है, मैस क्या है, 5 kg। एंड इसके बाद एक और जो हमारा ब्लॉक जिसको अटैच कर दिया गया है, ये M2 मैस है विच इज 3 kg। अब आपने क्या करना है, टेंशन, इसके अंदर टेंशन T1 फाइंड करनी है एंड इसमें टेंशन
T2 फाइंड करनी है। बहुत सिंपल आपका ये न्यूमेरिकल है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, विच इज 4.8। हम डेटा लिखते हैं, सबसे पहले डेटा एज इट इज लिख लिया। हमारे पास क्या है, हमारा मैस है। इन्होंने क्या किया, मैस M1 आपको प्रोवाइड कर दिया 5 kg। आपको पता है इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी तो ये मैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेट 1 में। तो M1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, G के साथ, 5 × 10। एंड आपको W1 क्या आ जाएगा, वेट 1 आ जाएगा, 50 न्यूटन। इसी तरीके से अब हम अपना नेक्स्ट जो है वो वेट mass 2 कर लेते हैं। mass 2 हमारा क्या है, m2 किसके इक्वल है, 3 kg के इक्वल। आपको पता है इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 10 एंड इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। बहुत सिंपल है। अब आपने फाइंड क्या चीज करनी है, टेंशन। टू फाइंड आपने क्या करना है, टेंशन को फाइंड करना है, T1 को फाइंड करना है एंड T2 को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले T2 को फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। सिंपल, T2 को जो फाइंड करना है, T2 को इसमें फाइंड करना हमारे लिए इजी है क्योंकि यहां पे जस्ट एक वेट जो है हमारा अटैच हो रहा है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो इसको सॉल्व करना। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब हम इस डायग्राम को मिटा देते हैं, यहां पे इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले T2, देखिए डायग्राम के थ्रू आपको समझना जरूरी है, इसलिए डायग्राम अगेन बनानी पड़ेगी क्योंकि इस डायग्राम के बगैर आपको ये टॉपिक जो है वो समझ नहीं आएगा। देखिए यहां पे मेरा क्या था, मैस M2 था, वो कितना था हमारे पास जो है 3 kg। लेकिन अगर इसको मैं वेट की फॉर्म में लिखूं तो क्या है, 30 kg आ जाएगा। अब देखिए T2 फाइंड करने से पहले आपने यहां पे लिख लेना है बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम क्या बताती है कि फोर्सेस आपके पास जितनी भी हो मस्ट बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो देखिए एफ ऑफ वाई वाली साइड पे इसके फोर्स लग रही है। यहां आप यहां पे प्रेशर पहले लिख सकते हैं फोर टेंशन टी टू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंपल आपने याद रखना है, टेंशन जो है T2 वो माइनस किसकी हो जाएगी, वेट W2 के इक्वल। क्योंकि देखें इस स्ट्रिंग के साथ जस्ट एक ही वेट अटैच है जो डाउनवर्ड वाली साइड पे मूव कर रहा है एंड टेंशन आपकी जो T2 है वो अपवर्ड वाली साइड पे मूव कर रही है और यहां पर जस्ट एक वेट अटैच है। तो इससे मैंने क्या लिख दिया, अपवर्ड वाली साइड T2 एंड माइनस W2 विच इज इक्वल टू 0। देन ये आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इज कमिंग स्टेशनरी कंडीशन। तो T2 एज इट इज लिख लिया, W2 उधर चला जाएगा, W2 एज इट इज इधर आ गया, T2 हमारे पास कितनी आ जाएगा, वेट आपके सामने है 30 न्यूटन। 30 क्या आ गया, 30 न्यूटन आ गया, सॉरी यहां पे न्यूटन आएगा। इस तरीके से आपने टेंशन 2 फाइंड कर ली, 4 T1, टेंशन 1। आप क्या करेंगे, बाय कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम आप लिखना चाहते हैं लिखें, दोबारा ना लिखें बेशक। अब देखिए टेंशन T1 क्या कर रही है, अपवर्ड वाली साइड पे मूव कर रही है। अब टेंशन T1 किसके इक्वल होगी, बहुत ध्यान से सुनना है। एक तो आपका क्या होगा, मैस M1 विच इज इक्वल टू 5 kg एंड मैस W1 किसके इक्वल हो जाएगा, 50 न्यूटन। देखिए इस स्ट्रिंग के साथ दोनों मैस अटैच है, दोनों वेट अटैच है। तो मैं यहां एज इट इज लिख लूंगा माइनस W1 माइनस W2। तो एज इट इज किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब T1 माइनस W1 हो जाएगा, ये इसको मैं उधर उठा के ले जाऊंगा, इट इज इक्वल टू W2। अब ये माइनस में वहां जाके दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, W2 प्लस W1। अब T1 हमारे पास कैसे आएगा, W2 आपके पास क्या है, W2 की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, इट्स वैल्यू इक्वल टू 30 न्यूटन। प्लस आपके साथ क्या हो जाएगा, W1 आपके पास क्या है, 50 न्यूटन। आपने इसको एज इट इज ऐड कर लेना है। आप जब इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ऐड करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको सिंपल जो है यहां पे भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपके पास टेंशन T1 क्या आएगी, जिससे कि आपको यहां पे ये नजर आ रहा है, ये इसको क्या करेंगे, 0 को 0 में ऐड किया, 0 एंड 5 + 3 क्या होता है, 8 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन T1 हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 न्यूटन।
इस तरीके से आपने अपने न्यूमेरिकल जो हमने किए हैं 4.8 तक बहुत ही अच्छे अंदाज से समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है मुझे आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ आ गया होगा।